यहाँ पे भाई हाथों में लग रही है ठंड धीरे धीरे। तो बस यही है कि धूप ही ठंड से बचा रही है यहाँ पे, बाकी ठंड अच्छी खासी है भाई यहाँ। वैसे तो ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है कजाकिस्तान पूरी, लेकिन ये इन्फ्लुएंस है यूरोप से, रशिया से। एयर अस्थाना यार बहुत स्ट्रिक्ट एयरलाइन है, लगेज आपका 5 kg है तो 5.5 से ऊपर आपको भाई जाने नहीं देगी लेके। 200 सस्ती एयरलाइन का यही नुकसान होता है भाई, ना तो कोई चार्जिंग पोर्ट है, ना कैरी करने के लिए कोई बेस दिया हुआ है। गाड़ी देख रहे हो पूरी बर्फ से ढकी हुई है भाई, देखो क्या है यार, जन्नत है जन्नत। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के साथ मैं आपको लेके आ गया हूँ ड्यूटी फ्री के पास, और यहाँ से अंदर चलेंगे हम और आपके यहाँ पे दिखाऊंगा मैं ड्यूटी फ्री में क्या क्या आपको मिलेगा, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे यहाँ पे अंदर ड्यूटी फ्री दिखाऊंगा आपको क्या क्या आपको मिल सकता है। काफ़ी जद्दोजहद करके मैं अंदर आया हूँ, सारी स्टोरी आपको अंदर चल के दिखाऊंगा, सॉरी बताऊंगा, सारी स्टोरी आपको अंदर चल के बताऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ हुआ और क्या क्या जुगाड़ लगा के मैं 3,500 रुपये बचा के आया हूँ। तो वीडियो में बने रहना इस ट्रिक को जानने के लिए। तो दोस्तों ये है यहाँ का ड्यूटी फ्री एरिया, यहाँ पे आपको ये सब ड्रिंक मिल जाएगी आपको, और ये सारी ड्रिंक है यहाँ पे, मुझे तो इनके नाम भी नहीं पता है भाई। फ्री गिफ्ट भी मिलता है यहाँ पे, देखो जिस तरीके से ये बैग है, इस तरह ये बैग भी मिलेगा आपको। कितनी लेने पे भाई? 2 मिलेंगी 5,590 की और 4 मिलेंगी 9,990 की। मतलब मेनली यहाँ पे ये सभी बिकता है, दारू वारू बिकती है भाई यहाँ पे, तो शराब के जो शौकीन हैं वो सब यहाँ पे ज़रूर आएँ भाई। देखो मैक का भी आउटलेट है, गिविंग चाहिए का भी है, डायोर का भी है, और मोस्टली तो यहाँ पे भाई ये ड्रिंक ही बिक रही है और अलाव होती है, लेके भी जा सकते हो और आप वापसी में आके भी ले सकते हो। तो अभी चलते हैं अपने गेट नंबर 6 की तरफ, जो हमारा बोर्डिंग पास है, 6 नंबर गेट है अपना, और यहाँ से चलते हैं, आपको थोड़ा सा ड्यूटी फ्री का इन्जॉय करते हुए चलिए आप। पेमेंट आपको यहाँ पे करनी है, जो भी आप परचेस करते हो यहाँ पे पेमेंट करके आप यहाँ पे बुक करके भी जा सकते हो, वापसी में यहाँ से पिक कर सकते हो और लेके भी जा सकते हो साथ में, अगर आपके हैंड बैगेज में स्पेस है केजी का। तो ये सब सारा एरिया यहाँ पे आपका, देखो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं यहाँ पे और लेकर वगैरह भी सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे अंदर आके दोस्तों ये लॉन्च का आपको साइन दिख जाएगा, आगे सामने है लॉन्च का एरिया, वहाँ पे जाके दिखाते हैं भाई आपको कि लॉन्च में हमारे को एक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता। अभी ऊपर चलते हैं और दिखाएंगे आपको क्या क्या वहाँ पे खाने को मिलेगा, जब तक अभी ये ड्यूटी फ्री से आगे का एरिया एक्सप्लोर करिए। ड्यूटी फ्री का एरिया वही था पीछे वाला, ये जो एरिया है ये ड्यूटी फ्री का एरिया नहीं है, यहाँ पे आप फूड कोर्ट वगैरह मिल जाएंगे आपको यहाँ पे इन्जॉय करने के लिए। काफ़ी खूबसूरत है भाई IGI एयरपोर्ट Terminal 3। यहाँ आपको बीच बीच में ये आपको फ़्लाइट चेक इन की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, यहाँ पे आप अपनी फ़्लाइट चेक कर सकते हो, डिले है, ऑन टाइम है या शेड्यूल कर दी गई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन स्क्रीन पे मिल जाएगी। और लॉन्च के लिए यहाँ पे राइट का एरो दिया हुआ है, तो और होटल के लिए भी राइट का एरो दिया हुआ है, तो हम अभी चलते हैं इधर राइट की तरफ। वैसे हमें जाना है अपने गेट नंबर 6 की तरफ, एक बार लॉन्च का एरिया एक्सप्लोर करके देखते हैं भाई लॉन्च में क्या क्या हमारे को ऑफ़र मिल रहे हैं। तो भाइयों वैसे तो मैं लॉन्च के लिए एक्सेस के लिए काफ़ी लेट हो चुका हूँ, फिर भी मैं आपको जाके दिखा दूँगा, क्योंकि अभी 1:30 हो रहे हैं और मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है और 2:30 की मेरी फ़्लाइट है। तो मैं अभी आपको लॉन्च का एक्सेस करूँगा नहीं करूँगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको दिखा ज़रूर दूँगा लॉन्च में हमें क्या क्या सर्व किया जाता है या क्या कौन कौन से कार्ड चलते हैं। जैसे भी होगा मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा, वीडियो में बन रही है यार मेरे साथ। यार लॉन्च में आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि लॉन्च के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं था, 1:40 हो रहे हैं और 2:30 की मेरी फ़्लाइट है, तो बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा यार फ्री के लॉन्च का। वापसी में दिखा दूँगा जब अलमाटी से दिल्ली आऊँगा ना, तो उस टाइम आपको लॉन्च का एक्सेस करके दिखा दूँगा पॉसिबल हुआ तो। आज मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम क्यों नहीं था वो मैं अभी बैठ के बताऊंगा आपको। आप लोग सोच रहे होंगे भाई एयरपोर्ट के अंदर क्या इतनी बर्फ़ पड़ रही है, जो मैंने इतने सारे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं आपको भाई, 3,500 रुपये बचाने के लिए ना मैंने इतने सारे कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि मेरा वेट ना बहुत ज़्यादा हो गया था, 5 किलो मेरे को अलाउ था हैंड कैरी लगेज में, लगेज तो मेरे पास था नहीं, केबिन हैंड कैरी था मेरे पास, उसका 5 kg वज़न मेरे को अलाउ था और मेरा हो गया था 8 kg। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने उससे पूछा कितना केजी का चार्ज लगेगा, तो उसने बोला 10 kg का चार्ज लगेगा 3,400 कुछ रुपये। तो उसके बाद भाई मेरा तो वापस आ गया, मैं वहाँ से मैंने कहा थोड़ा दिमाग लगाया, ऑनलाइन चेक इन की भी लगेज की भी इसमें सोल्यूशन होता है, उसमें 2,400 रुपये कुछ दिखा रहे थे, लेकिन वो INR में पेमेंट नहीं ले रहा था, टेंगे में पेमेंट ले रहा था, क्योंकि कजाकिस्तान की एयरलाइन है इसीलिए। तो मैंने सोचा भाई क्या करो, मैंने काफ़ी टूरिस्ट से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने बस की है नहीं, क्योंकि यार
सबसे ज़्यादा वज़न मेरे मैकबुक में हो रहा था और गोप्रो के बॉक्स में हो रहा था, तो मैंने यार रिस्क नहीं लिया क्योंकि अगर वो दोनों चीज़ें मेरी मिस हो जाती तो मैं आगे वीडियो शूट कैसे करता। तो मैंने ट्राई किया पेमेंट करने का, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट हुई नहीं क्योंकि 2 घंटे पहले सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बंद हो जाते हैं इनके लगेज वगैरह बाय करने के। ठीक है, तो इसके लिए मैं आगे आ गया यार। यार आपसे बातें करते करते 6 नंबर अपना गेट में पीछे छोड़ आया और आगे 8 नंबर पर आ गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे है और अभी टाइम है हमारे पास 45 मिनट्स का, तो आगे से पीछे आके थोड़ा आराम से बैठ जाएंगे और फिर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ इमिग्रेशन में क्या हुआ, क्या मुझसे पूछा गया, कुछ पूछा कि नहीं पूछा, रिटर्न फ्लाइट, इंश्योरेंस, होटल बुकिंग कुछ पूछा कि नहीं पूछा, वो सब मैं आपको बताऊँगा। वीडियो में बने रहिए आप। तो दोस्तों ये है हमारा गेट नंबर 6, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं लिखा है इस पर अलमाटी, और यहाँ की बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ये भी लाइन में लग गए हैं भाई, तो अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट होने वाली बोर्डिंग और दिखाते हैं कैसी फ़्लाइट है। 180 पैसेंजर की कैपेसिटी वाला प्लेन है और काफ़ी मज़ा आएगा यार जर्नी में, क्योंकि टेम्परेचर एकदम से ही चेंज हो जाता है भाई। यहाँ दिल्ली में भी 12-13 डिग्री चल रहा है प्लस में, वहाँ पे -5-10 है। 3.5 घंटे की जर्नी है हमारी और देखते हैं कितना मज़ा आएगा माए को वहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, बता नहीं सकता आपको। और अच्छा वो भाई मैं लॉन्च में नहीं गया, अगर लॉन्च में चला जाता ना मेरा लॉन्च बन जाता, यहाँ की फ़्लाइट मेरी छूट जाती। तो देखो फ्री का खाना को अवॉइड करो, पहले अपनी फ़्लाइट पकड़ो। अभी दिखाता हूँ आपको अपना फ़्लाइट, और सीट मिली है मुझे 22B, बीच की सीट मिली है। यार मैंने काफ़ी ट्राई किया चेक इन के टाइम कि मुझे साइड की विंडो सीट मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। एयर अस्थाना यार बहुत स्ट्रिक्ट एयरलाइन है, लगेज आपका 5 kg है तो 5.5 से ऊपर आपको भाई जाने नहीं देगी लेके। बड़ी मुश्किल से मैंने आज ट्रिक लगा के बड़े अपने वूलन जो कैप वगैरह इनर वगैरह थी अपने जैकेट में भरी। अब ये जैकेट मैंने इसलिए तो नहीं उतार रहा हूँ, मैं काफ़ी यार फंसी हो गया था मैं तो। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, 5.5 kg से बिल्कुल ऊपर मत लेकर आना। तो फाइनली अपने प्लेन में एंट्री करने के लिए तैयार हैं हम भाई। बहुत सिक्योरिटी टाइट है, 3-3 बार सिक्योरिटी चेक हुआ भाई, क्या ही करें, 2-2 बार बैग खुलवा लिया भाई, रैंडमली किसी का भी बैग खुलवा रहे हैं। और सिक्योरिटी टाइट है, एयर अस्थाना की स्ट्रिक्ट एयरलाइन है, थोड़ा सा ध्यान से आना भाई। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ अपनी सीट पे 22B पे और अभी सफ़र की शुरुआत करते हैं। अभी सफ़र स्टार्ट होने में भी थोड़ा सा टाइम बाकी है भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए। मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है यूट्यूब पे, मेरी वैसे तो 4th या 5th है इंटरनेशनल ट्रिप, लेकिन जो यूट्यूब पे जर्नी है जो मैं आपको घुमाता हूँ अपने साथ, तो उसकी मेरी फ़र्स्ट ट्रिप है। तो इसको यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर भी कर देना भाई। ये है पूरे प्लेन का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए काफ़ी खूबसूरत लाइटिंग हो रखी है भाई इसमें, और काफ़ी पैसेंजर अब धीरे धीरे आ रहे हैं। ये सीट बाय सीट एंट्री दे रहे हैं, जैसे 1 से लेके 10 तक, 20 से लेके 30 तक, 10 से लेके 20 तक, इस तरीके से इन्होंने एंट्री दी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ताकि भीड़ भाड़ ना हो। यार एग्ज़िट के टाइम भी लोगों को अगर इसी तरीके से निकालें तो काफ़ी अच्छा रहता है, एग्ज़िट के टाइम काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है भाई। दोस्तों सस्ती एयरलाइन का यही नुकसान होता है भाई, ना तो कोई चार्जिंग पोर्ट है, ना कैरी करने के लिए कोई बेस दिया हुआ है, बस एक ये ट्रे दी हुई है यहाँ पे, देखो इस तरह की ट्रे दी है। खाने को कुछ मिलेगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि मैंने प्री बुक किया नहीं था अपने लिए। 3.5 घंटे की फ़्लाइट है यार, मैं खा के आया था घर से खाना, लेकिन चार्जिंग पॉइंट नहीं है यार, और लेग स्पेस भी देखो ज़्यादा नहीं है कुछ खास। मेरी हाइट 5'9" है तो लेग स्पेस भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है भाई। सस्ती फ़्लाइट के तो मज़े, सस्ती फ़्लाइट के जैसे ही आएंगे भाई। और देखो काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं, अभी मेरे आसपास कोई इंडियन नहीं बैठा है, इस तरफ भी ये रशियन बैठे हैं और ये सामने भी रशियन बैठी हैं। अब देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है अभी आगे जर्नी में। ये है पहला नज़ारा भाई, और लिटरली भाई बाहर का निकलते ही जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है ना, वो बड़ा ख़तरनाक हुआ है। देखो सामने भाई बर्फ़ गिरी हुई है, सामने आपको दिख रहा होगा ये बर्फ़ इन्होंने साइड की हुई है। हमारी बस खड़ी है, अब इस बस में हम जा रहे हैं आगे अपने स्टेशन की ओर। एयरपोर्ट से एग्ज़िट लेते हैं आपको काफ़ी सारे टैक्सी बोलते हुए आपको बंदे दिख जाएंगे, लेकिन आपको यंडेक्स गो करके एक ऐप आती है, उसी ऐप से आपको टैक्सी बुक करनी है। और आपको बर्फ़ का नज़ारा दिखाता हूँ भाई, देखो कितनी मोटी मोटी बर्फ़ जमी हुई है गाड़ी में, देखो याली ये देखो भाई पूरी बर्फ़ जमी हुई है भाई। अभी चलते हैं भाई अपनी टैक्सी है, ये हमारे होस्ट हैं, इनसे इंट्रोडक्शन आपको बाद में कराऊँगा। देखो वो जा रहे हैं हमारे मुझे भाई, ये हमारे होस्ट हैं, इन्होंने हमें होस्ट किया है। तो अभी इन्होंने टैक्सी बुक करी हमारे लिए, हमें पिकअप करने भी आए हैं, तो अभी इनके साथ चलते हैं इनके रूम पे और फिर आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने होस्ट और अपने दोस्त के घर, हमारे फ्रेंड भी हैं वो, हमारे होस्ट भी हैं। तो
तो मैं उन्हीं के इलाके में हूँ जो उनका एरिया पड़ता है, मैं वहाँ पर हूँ अभी। मुझे नाम नहीं पता है क्योंकि वो मॉर्निंग में हम यहाँ पे 7:30 बजे 8 बजे हम पहुँच गए थे उनके घर पे, और फिर वो अपनी क्लास के लिए चले गए थे। मैं आपको बता देता हूँ, उनका नाम है मुजीब भाई, वो अभी MBBS कर रहे हैं यहाँ पे। तो सुबह मुझे छोड़ के वो अपनी क्लास के लिए चले गए थे, तो मैं जो बोल दिया था थोड़ा रेस्ट करने को, और मुझे लग रहा था कि मैं रेस्ट नहीं करूँगा, और मैंने इतना रेस्ट किया इतना रेस्ट किया कि अभी यहाँ पे 12 बज रहे हैं और मैं अभी सो के उठाऊँ। तो भाई इतना कोजी है ना इनके घरों में, मतलब काफ़ी अच्छा हीटर का इंतज़ाम है कि आपको ना चाहते हुए भी नींद आ जाएगी भाई। बहुत ही अच्छा लग रहा है, फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही खूबसूरत है भाई अलमाटी का। ये अभी इनका लोकल एरिया है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, अपना हॉस्टल कह लो या इनका PG कह लो, बल्कि उन्होंने फ्लैट लिया हुआ है पूरा यहाँ पे रहने के लिए। और मेरे पीछे का ये नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हो आप। ये एक पार्क है, छोटा सा पार्क है, लोगों ने इसमें गाड़ियाँ भी खड़ी करी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात है कि भाई सनी डे है, सूरज निकला हुआ है, तो इतनी ठंड चुभ नहीं रही है जिस हिसाब से बर्फ़ यहाँ पे पड़ी हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। अब मैं एक जगह बैठ के आपको बताता हूँ कल मेरे साथ इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा गया, और किस तरह से मैंने 3500 रुपये आपके ओ सॉरी किस तरह से मैंने 3500 रुपये अपने बचाए। तो इनका सिस्टम है भाई, यहाँ पे पासकोड लगा हुआ है, देखो सामने जैसे गेट पे, उस पर आपको पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड डाल के आप अंदर जा सकते हो। और एक की होती है इनकी छोटी सी, वो की भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह से की होती है, इससे आपको टच करके आपका गेट खुल जाएगा, इससे भी आप अंदर जा सकते हो। बेसिकली आप पासवर्ड जब डालोगे ना तो अंदर बैल बजती है कि सिर्फ इसी से खुलेगी भाई। तो ये देखो यहाँ के नज़ारा देखो भाई, सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो नज़ारा है यहाँ का। ये देखो इतनी बेहतरीन धूप खिली हुई है, और बर्फ़ देखो कितनी गिरी हुई है यहाँ पे, और ये जो ऊपर बर्फ़ है ना ये मेल्ट हो रही है यहाँ पे धीरे धीरे ना, मेल्ट होके नीचे गिर रही है, पेड़ों की बर्फ़ भी नीचे मेल्ट होके गिर रही है क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। तो काफ़ी अच्छा वेदर है भाई हमारा आने का। और ये देखो भाई ये है नज़ारा, बर्फ़ ही बर्फ़ है भाई चारों तरफ। ये देखो मैं आपको पास से दिखाता हूँ, और बर्फ़ ना ये बिल्कुल मेल्ट वाली ऐसी नहीं है, देखो ये बिल्कुल फ्रेश स्नो है, देखो मेरा पूरा जूता अंदर चला गया, बिल्कुल फ्रेश स्नो है, बढ़िया। भाई अभी चल रहा हूँ मैं सामने, छोटे छोटे बच्चे हैं ना पार्क में खेल रहे हैं, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कितना खूबसूरत लग रहा है यार। बच्चों ने भी भाई पूरा विंटर का पूरा पहना हुआ है भाई, विंटर के जो कपड़े होते हैं ना वो पहने हुए हैं, और काफ़ी खूबसूरत जगह है। मतलब मैं एक छोटे से पार्क में हूँ और इतना खूबसूरत लग रहा है मुझे ये पार्क। अभी यहीं बैठ के आपको पूरी दास्तान सुनाऊंगा अपनी इमिग्रेशन की। यार जब तक मैं धूप में था ना वहाँ पे तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था नॉर्मल वेदर। अभी मैं यहाँ देखो छाए में आया हूँ ना, यहाँ पे भाई हाथों में लग रही है ठंड धीरे धीरे। तो बस यही है कि धूप ही ठंड से बचा रही है यहाँ पे, बाकी ठंड अच्छी खासी है भाई यहाँ। ये देखो बच्चे हैं, ये लोकल फैमिली यहाँ रहती हैं, और इस तरीके से छोटे छोटे इनके एक्टिविटीज़ करने के लिए बने हुए हैं, और ये सामने देखो छोटे छोटे झूले बने हुए हैं देखो, और मेरा जूते देखो भाई आप, बिल्कुल फ्रेश स्नो है भाई, ये देखो बड़ा मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पे। ये देखो ये बच्चों के झूले हैं, बच्चे नहीं हैं बस, बाकी सब कुछ है यहाँ पे, क्योंकि सर्दी इतनी है कि बच्चे क्या ही यार यहाँ पे झूलने आएंगे। ये देखो ये सारे झूले बच्चों के बने हुए हैं, ये पार्क है पूरा छोटा सा, जो कॉलोनी में एरिया में पार्क होता है उस तरीके से पार्क बना हुआ, काफ़ी खूबसूरत है भाई, ये देख लो। अभी मैं यहाँ से आपको दूसरी जगह भी लेके जाऊँगा, यहाँ का नज़ारा देखो भाई कितना खूबसूरत है। ये देख लो भाई छोटी सी बच्ची को देख लो, कितनी छोटी सी है, फ़ोन लेके भाई रिकॉर्डिंग कर रही है, क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो, देखो कितनी क्यूट बच्ची है, मस्त लेने मज़े लेने आई है भाई देखो। और यही सब है यार यहाँ का लोकल कल्चर है, और मस्त इधर की तरफ धूप है, ग्लव्स गिर गया नीचे, ये देखो एक्टिविटी करके दिखा रही है वो तेरेगी। अरे भाई अच्छा ये रेगुलर करने वाले हैं भाई, तो यानी रेगुलर आता ही है भाई करना। ये देखो आराम से बैठ गई है, यो ग्लव्स ग्लव्स, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे और नज़ारा दिखाते हैं आपको यहाँ के और खूबसूरत चीज़ों का। भाई ये नज़ारे हैं भाई कजाकिस्तान में अलमाटी के, क्या ये खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। ये पानी के लिए जो पाइप, पानी के लिए जो नालियाँ बनी होती हैं उसके अंदर ही बर्फ़ जमी हुई है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। धूप निकल रही है तब जाके ये हाल है देखो,
बहुत ही खूबसूरत जगह जगह में देखो, ये कॉलोनिया है बच्चों, कॉलोनिया है लोगों के रहने की। इसके अंदर का नज़ारा देखिए आप, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। ये बर्फ़ तो यहाँ पे भाई जगह जगह है, जिसके लिए भाई मैं परेशान हो रहा था। कभी मनाली जा रहा हूँ, कभी हमटा पास जा रहा हूँ, कभी कश्मीर के सपने देख रहा हूँ, यहाँ पे भाई बर्फ़ ही बर्फ़ है। देखो क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या ही कुदरत है भाई। तो यार अब मैं फाइनली आपको बता देता हूँ कि एयरपोर्ट पे मेरे साथ क्या हुआ था, कि मैंने अपने 3500 रुपये बचाए और इमिग्रेशन में क्या पूछा था, मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ आपको। थोड़ी सी कहानी लंबी है लेकिन शॉर्टकट बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है, 5 kg अलाउ होता है इसमें, ये एयर अस्थाना में, फ्लाइट में। फ्लाई एयर अस्थान जिस कंपनी का नाम है उसकी फ्लाइट का नाम है एयर अस्थाना। इसमें 5 kg आपका बैगेज अलाउंस होता है। तो मेरा बैगेज था 8 kg, उसमें लैपटॉप और मेरे जो गैजेट गोप्रो का बॉक्स वगैरह था, ये सब थोड़े से हैवी हो रहे थे। तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने मुझे बोल दिया 3500 रुपये का खर्चा आएगा। अब मैंने ऑनलाइन देखा था 2400 रुपये का, ऑनलाइन ट्राई किया, ऑनलाइन में भाई INR में पेमेंट ही नहीं ले रहा था वो। और फिर टाइम इतना रह गया था, फ्लाइट में 2-2.5 घंटे बचे थे, तो वो मना कर रहा था कि भाई अब नहीं हो पाएगा, ये लगेज जो भी एक्स्ट्रा ऐड था वो नहीं हो पाएगा। मैंने ठीक है भाई, अब फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, ट्रिक लगाई, लैपटॉप मैंने हाथ में ले लिया और थोड़े से कपड़े वगैरह मैंने जैकेट में डाल लिए। और जो गोप्रो का मेरा बॉक्स था उसका वज़न था 0.5 kg, 500 ग्राम मेरा वज़न था उसका, वो मैंने अपनी जीन्स की पॉकेट में डाल लिया। तो हाल फिलहाल करके मेरा 4 kg 700 ग्राम मेरा बैगेज मैंने अपना कर लिया, हैंड कैरी का बैगेज का। अब मैंने जाके वहाँ पे रखा, भाई इतना शाणे हैं भाई वो, हमें भी जानते हैं वो इंडियंस और वो भी हमें जानते हैं, तो हालांकि हैं तो वो इंडियंस ही, लेकिन उनने मेरे को खड़ा होकर देखा कि मेरे आजू बाजू में हाथ में कुछ, कह रहा लैपटॉप, मेरा लैपटॉप तो यार जाने दो ना प्लीज़। तो क्योंकि मैंने 4 kg 700 ग्राम वजन इसीलिए किया था ताकि वो बोले, सोचे कि यार चलो 300 ग्राम तो इसमें है, आधी किलो लेके जा रहा है कोई बात नहीं। लेकिन भाई बड़ी स्ट्रिक्ट एयरलाइन है एयर अस्थाना, अगर आप आ रहे हो तो 5.5 kg तक वो कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन इससे ऊपर नहीं छोड़ेंगे भाई। जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरा 45 मिनट्स वहाँ पर ख़राब हो गया, लेकिन जितना मेरा वहाँ पर ख़राब हुआ था उतना मज़ा मेरे को यहाँ पर आ गया। देखो पीछे पीछे का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है। तो यही सब था। और एक चीज़ और बता दूँ, इमिग्रेशन में क्या था, इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा, बस पूछा क्यों जा रहे हो। और मैंने कहा मैडम क्यों जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वेकेशन के लिए जा रहे हैं। तो वो भी खुश हो गई, मैंने कहा ठीक है। उसने कुछ नहीं कहा, खड़खड़ स्टैम्प मार के मेरे को दे दिया। सिक्योरिटी चेक में यार मेरे बूट टाइप थे, तो बूट भी उतरवा लिए, बेल्ट वेल्ट सब उतरवा लिए, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद हम अपने फ्लाइट की तरफ आ गए थे। और यहाँ का जो इमिग्रेशन था वो तो इतना स्मूथ था, उसने तो कुछ बोला ही नहीं मुझसे। एक तो लैंग्वेज बैरियर होता है, और ऊपर से कजाकिस्तान में जो है ज़्यादा सवाल जवाब करते नहीं, उन्हें भी पता है भाई हम घूमने ही आए इंडिया से। जो पढ़ने वाले होते हैं उनके पास, या टूरिस्ट वीज़ा सॉरी, उनके पास एजुकेशन के लिए कुछ प्रूफ होते हैं, उनके पास स्टे का वीज़ा होता है। तो इसलिए मुझसे कुछ पूछा ही नहीं उसने भाई, उसने तो सीधा लिया, मेरा एक फ़ोटो खींचा अपने कैमरे से और स्टैम्प मार के मुझे दे दिया। काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था। आपको क्या करना है यहाँ पर आने के लिए, सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट कैरी करना है और एक अपनी आने जाने की टिकट की हार्ड कॉपी ले लेना, वैसे मोबाइल से काम हो जाता है, लेकिन काफ़ी जगह दिखाना पड़ता है ना, तो बार बार आप उनको मोबाइल दोगे तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अनोइंग लगता है। इसलिए आप एक हार्ड कॉपी फ़्लाइट की रख लेना, आने की जाने की रिटर्न की, दोनों फ़्लाइट अपने हाथ में रखना। और बस यही दो चीज़ चाहिए इंपॉर्टेंट बस आपको। और लॉन्च का एक्सेस मैं कर नहीं पाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं लेट हो गया था उसी चक्कर में, लगेज के चक्कर में, तो इसलिए लॉन्च का एक्सेस मैं कर नहीं पाया। तो मैं फाइनली यहाँ पहुँच चुका हूँ अपने होस्ट के यहाँ पे, और नज़ारे देख के मेरा मन खुश हो गया भाई। और 3500 रुपये बच गए, उससे तो और भी ज़्यादा मेरा मन खुश हो गया। वो 3500 रुपये मैं यहाँ पे स्पेंड करूँगा और अच्छे अच्छे नज़ारे आपको दिखाऊँगा। अब देखते हैं आसपास और क्या दिखता है। अभी 1 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पे, और धूप काफ़ी अच्छी खिली हुई है, और मैं सोच रहा हूँ धूप धूप में घूम लूँ, क्योंकि धूप चली गई ना एक बार तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो और देखता हूँ भाई क्या नज़ारा देखने को मिलता है। और एक नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये सामने गाड़ी देख रहे हो, पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है भाई। देखो ये गाड़ी बर्फ़ से ढकी हुई है पूरी, यहाँ पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये रोड यहाँ पे क्लीन होता है, क्योंकि आने जाने के लिए गाड़ी आती है और इसको बर्फ़ को साइड में करके चली जाती है। ये देखो पूरा यहाँ पे आइस ही आइस है भाई, स्नोफॉल होता रहता है यहाँ पे। अपनी किस्मत में होगा स्नोफॉल तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। और ये नज़ारा है कुछ यहाँ पे, एक दो कितना खूबसूरत, बहुत ही उम्दा भाई, मेरा तो मन लग गया यहाँ पे। यहाँ के फूड ऑप्शन दिखा देता हूँ भाई आपको। देखो ये पैटी टाइप है, आलू पैटी जो होती है, एक ये वाली इस टाइप की, एक ये देखो, एक ये समसा है, ये इस टाइप का, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये हलाल फूड होता है यहाँ पे, 300 टेंगे, 300 टेंगे, 350 टेंगे, इसको डिवाइड बाय 5 कर लेना भाई, एक अपना इंडियन रुपीस 5 टेंगे के बराबर होता है। तो ये सब आपका लोकल फूड मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, और बाकी तो नज़ारा मैं आपको दिखा ही रहा हूँ भाई बराबर बराबर।
अभी मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ भाई यहाँ पे। अभी मैं अपने होस्ट के साथ एक राउंड मारूंगा आज यहाँ पे, उसके बाद ही मैं कुछ यहाँ पे इंजॉय करूँगा। बाकी आपको नज़ारे दिखा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भाई, ये क्या है यार, जन्नत है जन्नत, देख रहे हो यार, जिसके लिए हम तरसते रहते हैं भाई। अपने इंडिया वाले, दिल्ली वाले, पंजाब वाले भागते हैं मनाली, हमटा पास, ये भाई यहाँ देखो नज़ारे। और ज़्यादा महंगी फ़्लाइट भी नहीं है भाई, अभी फ़्लाइट के बारे में भी बताऊँगा मैं आपको। वैसे तो ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है कजाकिस्तान पूरी, लेकिन ये इन्फ्लुएंस है यूरोप से, रशिया से, तो यहाँ पे काफ़ी ओपन माइंडेड लोग मिलेंगे आपको। वैसा मुस्लिम वाला टिपिकल कल्चर यहाँ पे नहीं फॉलो करते लोग, काफ़ी ओपन माइंडेड लोग हैं। तो बाकी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ की दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है कजाकिस्तान की सीरीज़ का, अल्माटी का। अब इस सीरीज़ को यहाँ से शुरू करते हैं और आप सीरीज़ को पूरा देखना, काफ़ी एक्साइटेड एक्साइटेड चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको मैं घर बैठे ही इतना ज़्यादा अलमाटी घुमा दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप यार वीडियो देख रहे हो। मैं आपको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अलमाटी के बारे में, यहाँ का कल्चर दिखाऊँगा, यहाँ का फूड दिखाऊँगा, और यहाँ का जो है आपका लोकल ट्रांसपोर्ट भी मैं कवर करूँगा, और यहाँ का नाइट लाइफ भी मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से यहाँ की नाइट लाइफ होती है। जैसा कि लोगों को देख के लग रहा है काफ़ी अच्छी नाइट लाइफ होती होगी यहाँ पे, काफ़ी ओपन माइंडेड लोग भी हैं यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ यार मेरी फ़्लाइट यहाँ पे कितने की पड़ी। मैंने भाई दिसंबर में फ़्लाइट बुक करी थी 13 दिसंबर को, तो ये फ़्लाइट मुझे पड़ी 13,514 रुपये की दोनों साइड की, मतलब रिटर्न भी उसमें है और जाना भी उसमें था। 13,514 रुपये की फ़्लाइट पड़ी मेरे को, और उसके बाद मैं यहाँ पे आया और काफ़ी मज़ा आया भाई आने के बाद, तो बहुत ही खूबसूरत लगी मेरे को यहाँ पे ये अल्माटी सिटी। तो दोस्तों इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते। इस वीडियो में सिर्फ मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको, दिल्ली से अल्माटी कजाकिस्तान आप कैसे आ सकते हैं और क्या क्या आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं तक, अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसके सारे पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपसे, टिल देन बाय बाय।